two trains running on the same track travel at the rates of 25 and 30 miles per hour. If the first train starts out an hour earlier, how long will it take the second train to catch up with it? अब जो सिचुएशन बनती है वो ये है कि पहली ट्रेन इस स्टेशन से ट्रैवल करती है 25 माइल पर आवर की स्पीड से, ये चली जाती है। उसके एक घंटे बाद आफ्टर वन आवर दूसरी ट्रेन चलती है इसके पीछे जिसकी स्पीड है 30 माइल पर आवर। अब सिचुएशन ये है कि एक ट्रेन आगे जा चुकी है, दूसरी उसके पीछे आ रही है, क्योंकि एक घंटे में ये 25 माइल्स कवर कर चुकी होगी और दूसरी ट्रेन इसके पीछे आ रही है। तो रिलेटिव स्पीड के रूल के मुताबिक, अगर आपने रिलेटिव स्पीड का टॉपिक नहीं पढ़ा तो आप उसकी वीडियो देखें टॉपिक में, ताकि आपको रिलेटिव स्पीड के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल हो और आप इसको क्वेश्चन को ईज़िली समझ सकें। तो अब हमारे पास ये है कि इसकी स्पीड है 25 और इसके पीछे जो आ रही है उसकी स्पीड है 30, तो इनकी रिलेटिव स्पीड जो बनती है वो है 30 - 25 = 5। तो जो इफ़ेक्टिव स्पीड जो हम क्वेश्चन में काउंट करेंगे वो होगी 5 की, तो स्पीड इज़ इक्वल टू 5। अब डिस्टेंस चाहिए हमें ताकि हम टाइम बता सकें। अब डिस्टेंस क्या है कि एक घंटा पहले ये जा चुकी है, इसका मतलब है एक घंटे में इसने 25 × 1 डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया 25 का, और दूसरी ट्रेन एक घंटे बाद चली है तो वो इससे एक्चुअली 25 माइल्स बिहाइंड है, इसके पीछे मौजूद है 25 माइल्स, और इसने 25 माइल्स का डिस्टेंस कवर करना है जबकि दोनों मूव कर रही हैं। ये 25 माइल्स पर आवर जा रही है, ये 30, इसका मतलब है हर दफ़ा 5 का डिफरेंस आ रहा है जो कि स्पीड की सूरत में मौजूद है। डिस्टेंस आ गया हमारे पास 25। अब हमने टाइम बताना है, टाइम होता है डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो डिस्टेंस ओवर स्पीड इज़ इक्वल टू 25/5 एंड दिस इज़ इक्वल टू 5। 5 घंटों के बाद ये ट्रेन इसको मीट कर जाएगी। अगर हम इसे जनरल भी देखें तो डिफरेंस आ रहा है 25 माइल्स का, उसके बाद जब ये दूसरी ट्रेन चलती है तो ये 25 माइल्स आगे होती है। अब नेक्स्ट आवर में वो 25 मज़ीद आगे जाएगी, लेकिन ये 30 आगे आएगी, तो इन दोनों के दरमियान हर घंटे में 5 का फ़र्क पड़ता रहेगा, और वो कवर करना है 25 को, क्योंकि चल तो ये दोनों रही हैं, तो ये 25 जाएगी, ये 30 जाएगी, हर दफ़ा 5 का डिफरेंस कम होता जाएगा। वो डिफरेंस कौन सा है जो 25 का पहले प्रोड्यूस हो गया था, तो 5 घंटे के अंदर ये 25 का डिफरेंस कवर हो जाएगा। और इस तरह से ऑप्शन ए में 5 आवर आंसर है जो कि करेक्ट आंसर है।